है वो मौजूद है। आज के सेशन के अंदर ही, जो आज की स्टोरी है वो आज के सेशन के अंदर ही मौजूद है, राइट? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। सो वेलकम टू कीवा काइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा काइप इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के शानदार सेशन के अंदर, शानदार वेबिनार के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ, जो पहला सवाल जो है वो मैं आपसे यहाँ पर पूछने जा रहा हूँ, तो सवाल का जो जवाब है वो आपको यस और नो में देना है। उसका जो जवाब है वो आपको यस और नो के बीच बीच में आपने उसको देना है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, मेरा पहला सवाल आपसे है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पर्सन? क्या आप जानते हैं कि ये जो पर्सन है ये कौन है? यस और नो, क्या आप जानते हैं कि ये जो पर्सन है ये कौन है? यस और नो, राइट? ज्यादातर लोगों का जवाब जो है, ऑलमोस्ट सभी का जो जवाब है वो नो है, राइट 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 राइट। तो चलिए राइट तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको हम देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जोशुआ बेल। ये जो पर्सन है इसका जो नाम है वो है जोशुआ बेल। जोशुआ बेल, ये जो पर्सन है, ये जो जेंटलमैन है, ये दुनिया का एक बेहतरीन वायलिन प्लेयर है। इस धरती पर इससे बढ़िया वायलिन दुनिया का कोई और दूसरा पर्सन जो है वो नहीं बजाता है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वायलिन प्लेयर ऑन प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट के ऊपर, इस धरती के ऊपर ये सबसे शानदार वायलिन बजाने वाला ये जो शख्स है, दैट इज दी जोशुआ बेल। अब दोस्तों, जोशुआ बेल जो है इसके बारे में पहले जानते हैं, इसके जो वायलिन है, इसकी जो वायलिन की कीमत है वो 40 करोड़ रुपए है। ये जो वायलिन ये जो बजाता है उसकी जो कीमत है वो 40 करोड़ रुपए है। और वाशिंगटन पोस्ट ने जो है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम चलो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कर देखते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने डिसाइड किया कि चलो एक जो एक्सपेरिमेंट है वो हम कर देखते हैं। तो व्हेनेवर जोशुआ बेल वुड परफॉर्म कंसर्ट, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी जोशुआ बेल जो है ये कंसर्ट परफॉर्म करता है बड़े बड़े स्टेडियम में, बड़ी बड़ी जगहों पर, जब ये कंसर्ट करता है, जब ये वायलिन बजाता है, तो वहां पर जो उसकी जो एक घंटे की लोग इसको सुनने के लिए $300 से $500 जो है वो देते हैं। लगभग 30,000 से 40,000 रुपए की जो एक टिकट होती है उसका प्राइस होता है। लोग इस पर्सन को सुनने के लिए $300 से $500 जो है वो पे करते हैं वहां पर, राइट? अब दोस्तों, होता क्या है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या किया कि जोशुआ बेल को उसने सबवे जैसे कि जो अंडरग्राउंड स्टेशन होता है वहां पर उसको खड़ा कर दिया, वहां पर उसको खड़ा कर दिया, सिंपल जीन टी शर्ट और एक कैप के साथ में उसको सबवे के अंदर खड़ा कर दिया, और उसको बताया गया कि आप यहां पर अपना जो वायलिन है उसको बजाएंगे। जैसा कि आप स्टेडियम में बजाते हैं जो वायलिन आप बजाते हैं, वैसा ही जो वायलिन है वो आप यहाँ पर ये जो सबवे स्टेशन है यहाँ पर आप बजाएंगे। सिंपल जीन टी शर्ट और कैप पहना दिया उसको ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। ही प्लेड इन सच एन अमेजिंग वे, उस दिन उसने जो वायलिन बजाया वो बहुत ही शानदार था। ऐसा वायलिन जो कि एक मास्टर पीस था, उसने उस तरीके से उसको बजाया पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ, उस दिन उसने उस वायलिन को वहां पर प्ले किया। यस माय डियर फ्रेंड, ही प्लेड वायलिन मास्टरपीसेस। और दोस्तों, होता क्या है, वाशिंगटन पोस्ट ने ये रिसर्च किया कि कितने लोग वहां से गुजरे जब वो वहां पर बजा रहा था, how many people stopped by him, how many people passed by him, how many people watched him to hear what he had to play and how much money did he earn। उन्होंने देखा कि कितने लोग वहां से गुजरे, कितने लोगों ने खड़े होकर उसको सुना, कितने लोगों ने उसका जो वायलिन है वो ध्यान से सुना, और उसने वहां पर कितने पैसे कमाए। तो जो वॉशिंगटन पोस्ट है ये एक्सपेरिमेंट जो था वो वहां पर कर रहे थे, राइट? अब
अब दोस्तों होता क्या है, उसने वहां पर एक जो हैट थी वो रखी हुई थी, वायलिन बजा रहे था और वहां पर एक जो हैट थी वो रखी हुई थी ताकि जो आते जाते हुए लोग हैं वो उसके अंदर जो पैसे वगैरह हैं वो डालते रहे, राइट माय डियर फ्रेंड। तो पता चला कि उस एक घंटे के दौरान 1097 लोग जो है वो वहां से गुजरे। यस माय डियर फ्रेंड, 1097 पीपल पास बाय During he was playing in that one hour, उस एक घंटे के भीतर में लगभग 1100 जो लोग हैं वो वहां से गुजरे जब वो वहां पर violin play कर रहा था। And you know how many people actually stopped to listen to him? क्या आप जानते हैं कि कितने लोग जो हैं उसको सुनने के लिए रुके वहां पर? बता सकता है कोई? Any guess? कि कितने लोग जो है वो उसको सुनने के लिए, उसके वायलिन को, उस शानदार मास्टरपीस को सुनने के लिए रुके? क्या बता सकते हैं आप में से कोई भी कि कितने लोग उसको सुनने के लिए उस एक घंटे के भीतर में रुके वहां पर? राइट, ओके ओके, दिस इज वाइल्ड गेस, वाइल्ड गेस। यस माय गेस, तो चलिए देखते हैं। 7 पीपल, 1097 लोगों में से सिर्फ 7 लोग जो थे वो उसको सुनने के लिए रुके। यस माय डियर फ्रेंड, 1097 लोगों से, लगभग 1100 लोगों में से सिर्फ 7 लोग जो थे वो उसको सुनने के लिए रुके। आउट ऑफ 1097 पीपल, जस्ट 7 पीपल। His concert hall would be full all the time. उसका जो concert hall होता है वो पूरा खचाखच भरा हुआ होता है जब वो पूरे stadium में, जब वो बड़े concert hall में जब वो violin जो है वो play करता है। And do you know how much money he got in that hat? और आप क्या जानते हैं कि उस दिन उसने उस hat में कितना जो पैसा है वो उसने कमाया है? उसकी एक टिकट की cost जब वो stadium में perform करता है तो लगभग $500 के बराबर होती है, और उसने सिर्फ $32 उस एक घंटे के अंदर कमाए। जिस पर्सन की, एक पर्सन की जो टिकट है वो $500 के बराबर होती है, $500 होती है जब वो स्टेडियम में प्ले करता है, लगभग 35-40 हजार रुपए होती है, उस पर्सन ने एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ $32 कमाए। वो आदमी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन वायलिन प्लेयर है, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वायलिन उस सबवे के अंदर जब बजाया तो सिर्फ $32 उसने एक घंटे के अंदर कमाए। यस माय डियर फ्रेंड, वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन पोस्ट, एक्सप्लोर टू व्हाट हैड हैपेंड। इट वाज द इवनिंग और एवरीवन वाज इन अ रश। व्हेन यू आर इन अ रश, वाशिंगटन पोस्ट कहती है कि ये जो समय था, ये शाम का समय था जब लोग अपने काम से अपने घर की तरफ जाते हैं, जब लोग अपने काम से अपने घर की तरफ जाते हैं और सभी जल्दबाजी में थे। एंड यू गो टू फास्ट इन लाइफ, दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी में भागा दौड़ी कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, कहीं हम भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी में भाग दौड़ तो नहीं रहे, कहीं हम कुछ ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, यू कैन नॉट हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आप कभी भी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपको ऐसी जो चीजें हैं वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकती हैं अगर आप बहुत सारा तेज चल रहे हैं जिंदगी में, बहुत सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, भाग दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली दिस इज व्हाई प्रेस अ पॉज, माय डियर फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए रुक कर देखिए, थोड़ी देर के लिए कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे है, वेयर इज द प्रॉब्लम, या थोड़ी देर के लिए रुक कर देखिए कि यार आसपास का जो माहौल है कहीं हम उसको मिस तो नहीं कर रहे हैं, अपने घर के अंदर जो खुशियां हैं कहीं हम उसको मिस तो नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, कहीं जो वो हंसी खुशी जो बिताने वाले पल हैं कहीं हम उसको मिस तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, प्रेस अ पॉज, एक पॉज लीजिए जिंदगी में, जो पॉज है ये बहुत जरूरी है। आज भी आप एक पॉज ले सकते हैं, अभी भी हम एक जो पॉज है वो ले सकते हैं, ताकि जो हम डिसीजन ले रहे हैं रोज की जिंदगी में कहीं वो डिसीजन गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं वो डिसीजन जो है उसको हम प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहे हैं, या हमारे एक्शन क्या है, हमारी आदतें क्या है, हमारी हैबिट्स क्या है,
ये जो सभी चीजें दोस्तों, ये सभी चीजें हमारी जिंदगी को चेंज करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए रुक कर देख कर ध्यान से उसको जो सुनना है वो बहुत जरूरी बन जाता है, राइट। अब इस चीज के ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे, डोंट रश थिंग्स, टेक अ ब्रेक। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना जिंदगी में, इसको गलत तरीके से मत लेके जाना कि अच्छा आराम से बैठ जाए। नो, आराम से बैठना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हम डिसीजन लेके बैठे हुए हैं वो सारा दिन हम इधर उधर के काम में, यानी कि फालतू कामों में हम अपना जो समय है वो व्यर्थ गवाते हैं। प्रोडक्टिव काम में हम समय नहीं देते हैं और हम कहते हैं कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिव? ये प्रोडक्टिव काम क्या होता है? जो काम आपको सफल बनाने के लिए जितना समय आप स्पेंड करते हैं, दैट इज दी प्रोडक्टिव टाइम, आपका प्रोडक्टिव टाइम। सुबह आप उठ जाते हैं, सुबह आप नाश्ता करते हैं, सुबह आप तैयार होते हैं, सुबह आप बाहर के लिए निकलते हैं, सुबह आप जाते हैं। दिस इज नॉट योर प्रोडक्टिव टाइम। आप किसी के साथ बतियाते हैं, बात करते हैं, दिस इज नॉट योर प्रोडक्टिव टाइम। अपना प्रोडक्टिव टाइम कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको पता चलेगा आप कितने घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है कि आपने अपनी टीम को कॉल किया, दिस इज योर प्रोडक्टिव टाइम। आपने प्लान दिखाया, दिस इज योर प्रोडक्टिव टाइम। आपने ऑर्डर लिया, आपने स्टॉक पॉइंट के बारे में बताया, आपने डेमो दिखाया, आपने जो भी चीज अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम के ग्रोथ के लिए की, ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है। तो 24 घंटे में से कितना समय आप प्रोडक्टिव टाइम जो है वो आप काम कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करके देखिए। आपको जो नतीजा मिलेगा वो बहुत ही भयानक मिलेगा, बहुत ही खतरनाक जो नतीजा है वो आपको मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो प्रोडक्टिव टाइम रहता है वो 1 घंटे से भी कम समय का रहता है। या दोस्तों, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा, जरा सोचिए देखिए, हम कहते हैं कि सारा दिन हम धूप में भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर प्रोडक्टिव टाइम। आपका प्रोडक्टिव टाइम वहां पर जाके शुरू होता है माय डियर फ्रेंड, वहां पर जाके। और अगर आप अकेले कर रहे हैं फिर तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप अकेले काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, फिर तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तो प्रोडक्टिव टाइम जो है इसको निकालना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव टाइम, इसका जो समय है, इसका जो ड्यूरेशन है, ये बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव टाइम, अपना प्रोडक्टिव टाइम जो है वो जरूर निकालिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बेसिकली वो हमें इन्हीं चीजों से मिलने वाले हैं। इन्हीं चीजों से बेसिकली हमें रिजल्ट मिलेंगे, राइट। डियर लीडर्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड, एक्चुअली वी स्टक फॉर नो रीजन। एक्चुअली क्या है कि हमारे माइंड में बहुत सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, वो दौड़ रही हैं, वो भाग रही हैं। वी स्टक फॉर नो रीजन, हम बिना वजह से इन चीजों के बीच में फंसे हुए हैं, बिना वजह से, पता भी नहीं है। अरे मुझे एक चीज बताइए, बहस करने में हम लोग अपना जो समय है वो व्यर्थ गवा देते हैं। बहस करने में हम लोगों के साथ में बहस करते हैं, हम बाकी चीजों के लिए उनके साथ में लड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए बहस करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये समय जो है वो बेसिकली हमें अपनी चीजों को, जिस चीज में हम बेसिकली फंसे हुए हैं। अच्छा चेक कीजिए अपने माइंड के अंदर एक चीज, चेक कीजिए आज की डेट में आप किस चीज में फंसे हुए हैं। आप अपने काम में फंसे हुए हैं या आप अपने काम से बचने के लिए किसी चीज के बीच में फंसे हुए हैं, या आप गलती से कुछ ऐसे डिसीजन लेके बैठे हुए हैं जिससे आप फंसे हुए हैं। लोग फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लोग जैसे कि बच्चों की प्रॉब्लम होगी या बाकी की प्रॉब्लम होगी, क्या ये चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करती है? नो, कंप्लीटली नो। आप फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बच्चों की वजह से, बीवी की वजह से, हस्बैंड की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, किसी भी वजह से, क्या ये चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी? कंप्लीटली नो, ये आपको आगे बढ़ा ही नहीं सकती है, आगे बढ़ने में मदद कर ही नहीं सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसलिए बार बार हम ये जो चीज कहते हैं कि पहले तो एक ब्रेक लीजिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उससे एक ब्रेक लीजिए, राइट। तो सबसे पहले चीज तो ये देखिए, एनालाइज कीजिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे काम करता हूँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, राइट। 7 बजे से उठने के बाद हम क्या करते हैं? अपना जो टाइम शेड्यूल है ना वो फिक्स कीजिए कि हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो क्या है।
अच्छा हम सुबह नाश्ता करते हैं, सुबह सब कुछ करते हैं, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव टाइम जो है वो हमारा कितना निकल के आ रहा है, कम निकल के आ रहा है, ज्यादा निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, उस चीज को चेक कीजिए, हमें पता चलेगा कि बेसिकली जो गलतियां हैं वो कहाँ पर हैं, हम कहाँ कहाँ पर जो है वो गलतियां कर रहे हैं। सारा दिन हम फालतू में जो समय है वो बिता देते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम अपनी टीम के साथ में बात नहीं करते हैं, या अगर हम अपनी टीम के साथ ही बात नहीं करेंगे, भाई कितना ऑर्डर आया है, कितने स्टॉक पॉइंट के ऊपर बात की है, कितना हम यहाँ पर जो इंट्रो किट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, कितनी चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। मैं 10 लोगों का बात करता हूं, हमारे पास 10 लोगों का डाटा नहीं होता है कि सर आप, मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 10 लोग आपके बताइए कि 10 लोग जो है वो क्या क्या काम कर रहे हैं सारा दिन, सर कोई डाटा नहीं है। अरे सर लोग बात ही नहीं सुनते हैं। मुझे एक चीज बताइए, ऐसे करने से आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। फिर आप क्या बोलोगे? आप सिस्टम में दोष निकालोगे। एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो हमारी आदतों से शुरू होती है, हमारी जो हैबिट्स है, प्रॉब्लम जो है वो वहां से शुरू होती है। हम लोग आदत चेंज नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली आते हमने इतने मुश्किल से आदतें जो है वो बनाई है, एक ही बार में हम आते जो है उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, रिजल्ट मिलेगा? नो, कंप्लीटली नो, रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, बार बार आप सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पहले तो जो समय समय है, टाइम जो है उसको मैनेज कीजिए, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो शेड्यूल है, जो फिक्स शेड्यूल है, उनको मैनेज कीजिए, क्योंकि तो अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली समय तो निकलता चला जाएगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय निकलता चला जाएगा, और डेफिनेटली अगर उस समय के बीच में जितना काम हम प्रोडक्टिव कर पाते हैं उतना बेहतर जो रिजल्ट है वो हमें मिल पाएगा, राइट? तो दोस्तों आशा है कि ये जो वेबिनार है, ये जो सेशन है, ये आपको समझ में आया होगा, कंप्लीटली आपको पता चला होगा कि बेसिकली जो भी चीजें, जो भी भागदौड़ हमारे माइंड के अंदर चल रही है, कहीं फंसे हुए हैं, कहीं भी, उन चीजों से पहले तो बाहर निकलिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। माइंड जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर काम जो है वो माइंड के ऊपर चढ़ाते रहते हैं, काम एक भी नहीं ढंग का कर पाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर वो फंसे हुए हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, वो फंसे रहते हैं और वो सारी जिंदगी इसी तरीके से फंसे ही रह जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, टेक अ ब्रेक, चेंज योर हैबिट्स, एंड डेफिनेटली अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम शेड्यूल है, उसको जरूर हैंडल कीजिए। सभी को यहाँ पर जो प्रॉपर जो टाइम है, 24 घंटे सभी को मिलते हैं, उन 24 घंटों के अंदर हम कितना समय प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हर रोज की तरह हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और दोस्तों कल सुबह 8 बजे फिर से मुलाकात होगी जबरदस्त तरीके के साथ में, और डेफिनेटली कल हम हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे कि जो हैबिट्स हैं उनके ऊपर हम किस तरीके से उनको चेंज कर सकते हैं, और कैसी कैसी जो आते हैं वो हमें डालनी चाहिए, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे फिर से जबरदस्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।